नमस्कार। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और ये शुरुआत है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की, इसके साथ में राजस्थान की राज्य व्यवस्था की भी। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 2021 से लगा करके 2023 तक के जो लेटेस्ट एग्जाम करवाए गए हैं इन बोर्ड के द्वारा, आयोग के द्वारा, इन परीक्षाओं में पूछे गए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इसके अलावा राजस्थान की जो पॉलिटी के विशेष संदर्भ में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का हम विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस करेंगे। जो आपकी आगामी ईओ आरओ परीक्षा, इसके अलावा राजस्थान जो लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित आरएएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, इसके अलावा पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा और आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आने वाली है और जूनियर लीगल ऑफिसर की भी वैकेंसी आने वाली है। तो इन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सेशन आपका समान रूप से यूजफुल रहेगा। तो इस सीरीज के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि प्रतिदिन एक पेपर है वो लेंगे और उस पेपर में जितने भी प्रश्न भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के हो या फिर राजस्थान की राज्य व्यवस्था के हो, उन तमाम जो क्वेश्चंस है उनका विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के आसपास में और भी महत्वपूर्ण कुछ तथ्यात्मक जानकारी है वो भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपका बहुत ही अच्छी तरीके से इन चीज़ों का रिवीजन हो सके और आपको पता चल सके कि राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पॉलिटी से जुड़े किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछती हैं। इससे पूर्व कि हमने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो राजस्थान भूगोल इतिहास कला संस्कृति के जो प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए थे उनका विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस किया और वो आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से ये पॉलिटी वाले प्रश्न भी आपके लिए अत्यंत मददगार सिद्ध होंगे और इससे पूर्व भी हमने पॉलिटी के काफी प्रश्नों का डिस्कस है वो किया है 2021 तक के, और राजस्थान की जो पॉलिटी है उनके भी मैराथन वीडियोस डाले हुए हैं जो आपके लिए काफी है वो हेल्पफुल सिद्ध हो रहे हैं। तो चलिए इस सीरीज को हम शुरू करते हैं और आज का हम जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का। 13 सितंबर 2021 की परीक्षा में जो जीके का पेपर था उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और राजस्थान की पॉलिटी से जुड़े, इन तमाम प्रश्नों का हम डिस्कस करेंगे और आप भी जितने भी जो इनके विकल्प हैं उन विकल्पों को देखते हुए सही उत्तर का चयन करते हुए चलिए और अपना मूल्यांकन भी करते हुए चलिए कि आप कितने प्रश्नों का जवाब सही और सटीकता के साथ में दे पाते हैं। उसके बाद में जब वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रतिक्रिया सुझाव जरूर लिखें और आपके कितने सवाल सही हो वो भी आप जरूर लिखें। साथ ही साथ एक और आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार देख रहे हैं और इसकी सदस्यता अभी तक नहीं ली है तो सब्सक्राइब पर क्लिक करके बेल आइकन पर आप क्लिक जरूर करें। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यानी कि इस पेपर में 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो भारतीय संविधान और जो राज्य व्यवस्था है उससे स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 26 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 22 नवंबर 1947 या 9 जुलाई 1946? तो भारतीय संविधान की जो सभा थी और सभा में कई समितियां बनी जिसमें एक थी प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है और उसका कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। तो ये समिति गठित हुई थी 29 अगस्त 1947 को। डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है 29 अगस्त 1947। और इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। आपसे पूछा जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस कमेटी के अध्यक्ष थे और अन्य जो सदस्य हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और वी टी कृष्णाचारी, ये इनके सदस्य थे प्रारूप समिति के। और एन माधव राव है ये आपके बी एल मित्र पहले प्रारूप समिति के सदस्य थे, उनका निधन हो गया तो इसके स्थान पर ये एन माधव राव आए और
डीपी खेतान की मृत्यु होने पर वी टी कृष्णाचारी ने इनका पदभार है वो लिया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो सदस्य थे ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, प्रारूप समिति के थे। ठीक है, और आपसे ये प्रारूप समिति वाले सदस्य हैं वो सीधे तौर पर भी पूछ लिए जाए कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो ये अगर आपके सामने विकल्प दे दिए जाए और चौथा विकल्प कोई और दे दिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है इनके नाम। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके अध्यक्ष थे और बाकी ये आपके सदस्य आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? अनुच्छेद 32, 124, 226 या 229? तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और इस मूल अधिकारों का अगर कहीं से कोई हनन हो जाता है, किसी प्राधिकार के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्तिगत अधिकारों का हनन कर दिया जाता है, या फिर किसी सरकार के द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों पर कोई हनन जैसी कोई समस्या आती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है और हाई कोर्ट के द्वारा भी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रिट है वो जारी की जाती है। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के एनफोर्समेंट का अधिकार देता है, पावर देता है। और यहाँ उच्च न्यायालय के जगह आपसे पूछ लिया जाए कि उच्चतम न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और 226 और 32 इसमें आपकी देखिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है वो भी आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो एक तो आपकी कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रचार, और इसके अलावा है उत्प्रेषण। ठीक है, तो ये आपकी 5 प्रकार की रिट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत ये इनको अधिकार है इनका प्रवर्तन करवाने के लिए। हाई कोर्ट ये कर सकती है कि हाई कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र में आता है जो भी, ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई अथॉरिटी हो, प्राधिकार हो या फिर कोई सरकार हो, अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई भी कार्य करता है तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट है वो इसके लिए एनफोर्समेंट करवाने के लिए कदम उठा सकता है, उसके पास में पावर दी गई है भारतीय संविधान के द्वारा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अनुच्छेद 226। नेक्स्ट है, नगोया औद्योगिक प्रदेश है, तो ये आपका संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा सवाल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 में से। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है। देखिए, 2003 में ये महत्वपूर्ण संशोधन है वो किया गया था। 91वां जो संविधान संशोधन है 2003, इसके तहत मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी है। यानी कि लोकसभा में, यानी कि संसद में अगर कोई मंत्री बनाना हो तो मंत्री कितने बनाएंगे, लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% तक ही व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा। यही प्रावधान है वो विधानसभा में किया गया है, यानी कि विधानमंडल में किया गया है। अगर विधानसभा में कोई भी मंत्री बनाने हैं, जैसे कि राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य है,
ठीक है। और 200 सदस्य में अधिकतम 15% विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक आप मंत्री को नहीं बना सकते। यानी कि 15% कितना हो जाएगा, 100 का 15% यानी 15 हो जाता है, और 200 का 15% यानी कि 30। यानी कि राजस्थान में अगर कोई भी मंत्री बनाने हो, ठीक है, तो 30 से अधिक मंत्री राजस्थान सरकार है वो नहीं बना सकती है। और न्यूनतम संख्या है वो मुख्यमंत्री सहित 12 संख्या है, यानी कि विधानसभा में 12 न्यूनतम मंत्री बन सकते हैं, और 30 है ये राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में अगर बात करें तो 30 अधिकतम मंत्री है वो राजस्थान विधानसभा में बन सकते हैं। और लोकसभा की बात करें तो कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक है वो मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। पहले क्या करते थे कि मंत्रियों की संख्या बहुत अधिक कर देते थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दल बदल करके दूसरे दल में प्रवेश करता था तो उसको सीधे ही अपने दल में आने पर सीधा मंत्री का कोई ना कोई प्रभार है वो दे दिया जाता था। तो इसी प्रकार के जो दल बदल की राजनीति है उसको समाप्त करने के लिए, उस पर कुछ प्रतिबंध लगाने के लिए ये आपकी व्यवस्था है वो की गई थी। तो ये आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार ये सवाल रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? केंद्र में द्वैध शासन, एक अखिल भारतीय संघ, प्रांतों में स्वायत्तता और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, और ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जो संविधान है उस भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा भाग है ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से सीधा ही अडॉप्ट कर लिया था। तो भारत शासन अधिनियम की अगर विशेषता की बात करें, इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो केंद्र में जो द्वैध शासन की पहल है ये भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई, ये भी बात सही है। और एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की भी यहाँ पर कल्पना की गई थी, विचार रखा गया था, लेकिन एक अखिल भारतीय संघ है वो बन नहीं पाया, ठीक है। और प्रांतों को भी स्वायत्तता दी गई थी, ठीक है, और केंद्र और प्रांत, संघ और प्रांत दोनों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी 1935 के अधिनियम में। यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम से हुई थी, और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत आपसे पूछा जाए तो 1935 आप बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित करके आरक्षित और हस्तांतरित दो विषयों को है वो सूचीबद्ध किए थे, जितने भी महत्वपूर्ण जो विभाग है उनको, ठीक है। तो ये प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम से हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? राज्य में विधान परिषद, तो देखिए विधान परिषद एक ऐच्छिक सदन है, अगर कोई भी राज्य चाहे तो विधान परिषद का सृजन कर सकता है, चाहे तो उसका उत्सादन कर सकता है, ठीक है। तो विधान परिषद की संरचना यानी कि उसका कंपोजिशन किस प्रकार से होगा, उसका संगठन किस प्रकार से होगा, ठीक है, वो बनेगा कैसे, तो ये बात है, ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कही गई है? तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 171 में, ठीक है। अगर विधानमंडल की बात करें, ठीक है, तो विधानमंडल भारतीय संविधान का जो भाग 6 है उसमें किसका वर्णन है, राज्य यानी कि स्टेट का वर्णन है राज्य का। और भाग 6 के अध्याय 3 में विधानमंडलों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसका अनुच्छेद जो 168 है, ठीक है, इस 168वें अनुच्छेद में जो राज्य विधानमंडलों का गठन की बात कही गई है, ठीक है, 169 है, इस 169 में विधान परिषदों का उत्सादन और सृजन की बात कही गई है। 170 में अगर बात करें तो विधान सभाओं की संरचना यानी कि विधानसभा की संरचना कैसी होगी, तो वो बात 170 में है। और 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। अब आप सोचेंगे कि विधान परिषद किस प्रकार से होता है, क्या इसकी संरचना रहती है, तो ये बात इस अनुच्छेद 171 में बताई गई है। यानी कि विधान जो परिषद है, तो विधान परिषदों की संख्या कितनी होगी, तो विधानसभा के सदस्यों की
कुल जो संख्या है उसकी एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। यानी कि अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो वर्तमान में 200 है, ठीक है, और 200 का एक तिहाई कितना होता है? 66। तो राजस्थान में इन फ्यूचर अगर कभी विधान परिषद अस्तित्व में आता है तो राजस्थान में विधान परिषद के जो सदस्य हैं उसकी अधिकतम संख्या है 66 हो सकती है। तो ये जो आपकी है इसमें विधानसभा की संरचना के बारे में है कि सॉरी विधान परिषद यानी कि आपकी लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके बारे में वर्णन है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो विधानसभा तो होती ही है प्रत्येक स्टेट में, तो विधानसभा के सदस्यों की एक तिहाई से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम संख्या है वो 40 से कम नहीं होगी, ठीक है। और अगर बात करें विधानसभा की तो विधानसभा की संख्या है वो कितनी हो सकती है? तो विधानसभा की जो अधिकतम संख्या है वो आपकी 500 से अधिक नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी। ये बात 170 में कही गई है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा 171 में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है राज्यपाल के संबंध में, ठीक है, और आपके जो विधानसभा के जो सदस्य है उसके चुनाव के बारे में भी कहा गया है कि विधानसभा के जो सदस्य है उसमें 5/5 जो 6 सदस्य है ये तो आपके निर्वाचित होंगे, ठीक है, और 1/5 जो 6 सदस्य है ये राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के संबंध में जो विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम निर्देशन है वो किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। तो यह बात भी अनुच्छेद 171 में कही गई है, 171 में, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडलों का गठन का के बारे में बात है। 169 में कहा गया है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्सर्जन यानी कि जो अस्तित्व में है उसको हटा सकते हैं, ठीक है, और उसका सृजन कर सकते हैं। जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां उसका सृजन किया जा सकता है। और विधान परिषद है ये आपका कौन सा सदन है? उच्च सदन कहा जाता है और ये आपका एक स्थायी सदन है, ठीक है, स्थायी सदन है। लेकिन स्थायी का मतलब क्या हो गया कि ये कभी भी भंग नहीं हो सकता, ठीक है, विधान परिषद कभी भी भंग नहीं हो सकती, लेकिन विधान परिषद को है वो उसका उत्सादन किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना के बारे में, 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि के बारे में जानकारी मिलती है और 174 में राज्यों के विधानमंडल के जो सदस्यता है उसके लिए अर्हता क्या होनी चाहिए उसकी बात कही गई है। और ये भी महत्वपूर्ण है, 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि यानी कि विधानमंडल में दो आते हैं, एक तो विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान जो सभा है विधानसभा की अवधि कितनी होगी? 5 वर्ष। और ये 5 वर्ष कहाँ से काउंट होंगे वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो विधानसभा के चुनाव होने के बाद में जब उसका पहला अधिवेशन होता है तो पहले अधिवेशन से आगामी 5 साल तक का जो समय है वो इसमें काउंट किया जाता है, 5 साल। और आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष के लिए विधानसभा का कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की अवधि कितनी होगी? तो विधान परिषद के जो एक तिहाई सदस्य है वो प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त है वो होते जाएंगे। इस प्रकार से आपके राउंड टेबल है वो चुनाव उसके होते रहेंगे। तो ये विधान मंडलों की अवधि के बारे में बात करता है और राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता यानी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर विधानसभा की बात करें तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधान परिषद का सदस्य अगर बनता है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष उसकी होनी चाहिए। तो ये बात अनुच्छेद 174 में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का है वो आपको चयन करना है। तो देखिए
ग्राम पंचायत का गठन समान नागरिक संहिता, कृषि और पशुपालन, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। तो ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी कि राज्य को जो नीति निर्देशक तत्व है उससे संबंधित अनुच्छेद हैं। तो आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात है वो कही गई है। तो एक में तीन हो जाएगा, एक में तीन अगर इन कूट में देखा जाए तो केवल और केवल एक वाले विकल्प में है। तो हमारा सीधा सा सही जवाब यहीं से बैठ जाता है। दो नंबर अगर देखा जाए तो समान नागरिक संहिता, तो अनुच्छेद 40 में कॉमन यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है इसकी बात हमें अनुच्छेद 44 में मिलती है। ठीक है, तो इसको आप याद किस प्रकार से रखेंगे, चार और चार, यानी कि चार भी एक जैसे है, चार यानी कि दोनों समान है। तो चार चार यानी कि समान नागरिक संहिता कहाँ पर है, किसमें है, अनुच्छेद 44 में। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण और कृषि और पशुपालन, तो कृषि और पशुपालन का उल्लेख अनुच्छेद 48 में और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में मिलता है। तो देखिए ये आप किस प्रकार से याद रखेंगे कि 50 यानी कि 100 का 100% होता है, 100% का आधा कितना होता है, 50, यानी कि 100% को दो भागों में जब हम डिवाइड करेंगे, पृथक करेंगे, तब आधा कितना बचेगा, 50। तो आप पृथक्करण की बात करें, अलग करने की बात करें तो 50-50 कर दो, यानी कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण हो गया 50 में, समान नागरिक संहिता हो गई 44 में, ग्राम पंचायतों का गठन हो गया आपकी 40 में, और समान नागरिक संहिता है 4-4-44 में। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो अनुच्छेद 36 से लगा करके अनुच्छेद 51 तक भारतीय संविधान में वर्णित है। तो देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, आपको विषय सारे के सारे ही अगर कंटिन्यूअसली आप ध्यान में रखें, याद रख पाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण है जो मैंने रेड यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं। 38वां जो अनुच्छेद है इसमें कहा गया है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी कि लोक कल्याण की बात है वो 38 में कही गई है। राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व बताए गए हैं 39 में, और 39 के में बहुत महत्वपूर्ण है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कही गई है, वो 39 के में कही गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। 40 वाला तो आपको याद ही होगा। इसके अलावा काम, शिक्षा और लोक सहायता का जो अधिकार है वो 41 में है। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और 44 समान नागरिक जो संहिता है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य जो दुर्बल वर्ग है उसको, उनको शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात कही गई है राज्यों को। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, 48 के भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की जो प्रोटेक्शन है, रक्षा है, वो राज्य सरकार का एक दायित्व होना चाहिए। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, 50 में हमने देख लिया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है, सेपरेशन है, उसकी बात कही गई है। और 51 अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि विदेश नीति से संबंधित कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, तो वो है आपका 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कही गई है 51 में। तो यह चीज आपको साथ ही साथ ध्यान में रखते हुए चलना है, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार लागू किया गया। तो देखिए अनुच्छेद जो 356 है ये राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या संविधान के अनुकूल राज्य की शासन व्यवस्था संचालित नहीं होती है, तब राष्ट्रपति शासन
राज्य में लगाया जाता है और वो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार लागू किया गया है। तो वर्तमान प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 10 बार लागू किया गया है और मणिपुर में भी 10 बार आपका 356 का प्रयोग हुआ है, यानी कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू किया गया है। तो इसमें दोनों ही विकल्प वर्तमान प्रोस्पेक्टिव से देखे जाए तो सही हो रहे हैं। और अगर बात करें अनुच्छेद 356 की, तो सबसे अधिक बार अनुच्छेद जो 356 है वो किस प्रधानमंत्री के समय में लगाया था, तो वो आपको ध्यान में रखना है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री रहते 51 बार 356 का प्रयोग है वो किया था, यानी कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन इन्होंने लगाया था। और वर्तमान जो सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, इन्होंने अब तक 10 बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग है वो, अनुच्छेद 356 का प्रयोग है वो कर लिया है। और पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कहाँ पर किया गया था, तो 20 जून 1951 को पंजाब में पहली बार इस 356 का प्रयोग किया गया था। ये आपको देखिए ध्यान में रखना है, तीन अनुच्छेद है आपातकाल से संबंधित, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 52 में तो क्या है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है, और 356 में आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन है, और 360 है ये आपका वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है 360 में, और वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में कभी भी नहीं लगा है। ठीक है, तो ये आप आपातकाल से संबंधित ध्यान में रखिए। और राजस्थान के बारे में तो आप जानते ही हैं, राजस्थान में अब तक 4 बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग है वो हो चुका है, राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग, इनका जो गठन है ये मानवाधिकार संरक्षण एक्ट, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत किया गया। और कब किया गया आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। और श्री रंगनाथ मिश्रा ये भारत के पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो रहे हैं। ठीक है, और ध्यान में रखना है आपको, मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या फिर एक्टिव चीफ जस्टिस हो सकते हैं। इसके अलावा 2019 वाला जो संशोधन था उसमें संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस भी, यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो बन सकते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है, टेन्यूर होता है, वो 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक रहता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम है 1993 के तहत, इसमें आपके मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट है, कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राजस्थान का लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान का महाधिवक्ता। तो देखिए, राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ कौन लेते हैं पद ग्रहण करने से पूर्व, तो राजस्थान राज्य जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं उनको शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, और तो राजस्थान के लोकायुक्त भी राज्यपाल से शपथ लेते हैं। लेकिन आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य की जो महाधिवक्ता है ये नियुक्त तो राज्यपाल के द्वारा ही होते हैं, लेकिन राज्यपाल के समक्ष है वो पद की शपथ नहीं लेते हैं। तो इसमें ए और दो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 79, 80, 81 और 83। तो भारतीय संसद का गठन भारत
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये अनुच्छेद है 79, ठीक है। 79 में संसद का गठन है, और संसद का गठन कैसे होगा ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भारतीय संसद में सम्मिलित हैं। तो अनुच्छेद 79 में ये चीज कही गई है कि एक तो आपके राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करेगी? संसद का निर्माण करेगी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, संसद का गठन अनुच्छेद 79, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे, यानी कि राष्ट्रपति और दो सदन, यानी कि उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, इससे संसद का गठन होगा, अनुच्छेद 79 में कहा गया है। अनुच्छेद 80 की बात करें तो 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बात कही गई है कि राज्यसभा की संरचना कैसे होगी। तो राज्यसभा की संरचना में क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा इसमें 12 सदस्यों का तो नॉमिनेशन होता है, यानी कि राष्ट्रपति 12 राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन करते हैं, जो कि ऐसे सदस्य होंगे जो किसमें विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हो, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। तो ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। एक तो राज्यपाल जो विधान परिषद में सदस्यों का मनोनयन करते हैं 1/6 सदस्यों का, उसमें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के साथ में उसमें एक आता है सहकारी आंदोलन, ठीक है। सहकारी आंदोलन किसमें है? राज्यपाल के द्वारा जब विधान परिषद में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है तो उसमें सहकारी आंदोलन भी है, लेकिन राष्ट्रपति जब राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का जो मनोनयन करते हैं उसमें विशेष अनुभव वाले होते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। और ये लाइन सीक्वेंस वाइज भी बहुत बार पूछी जा गई है प्रीवियस पेपरों में, तो आपको ध्यान में रखना है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले सदस्यों का मनोनयन कौन करते हैं, नॉमिनेट कौन करते हैं, ये राज्यसभा के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद है 80। साथ ही ध्यान में रखना है कि राज्य जो सभा है, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य हैं ये कितने होंगे? तो इसमें कहा गया है कि राज्यों के संघ, राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है, उसमें 200 से 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। 238 का तो क्या होगा, प्रतिनिधि, यानी कि उनका इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, और ये आपके 12 हो गए। तो 238 और 12 यानी कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250, ये अनुच्छेद 80 में कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा बात करें अनुच्छेद 81 की, तो 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बात की गई है। और लोकसभा की संरचना की बात करें तो लोकसभा में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष जो निर्वाचन है, ठीक है, जो डायरेक्ट जो इलेक्शन है, उसके द्वारा 530 सदस्य से अधिक सदस्यों का है वो चुनाव होगा। किससे? राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, यानी कि 530 है वो तो आपके राज्यों से होंगे, और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंधित करें और चुने हुए 20 से अधिक सदस्य मिलकर बनेगी, यानी कि 20 जो सदस्य है वो तो आपके संघ शासित क्षेत्रों से चुनेंगे, और 530 है वो आपके जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है वहां से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आएंगे, यानी कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या है वो 530 और 20 कितनी है? 550 से अधिक लोकसभा की सदस्य संख्या नहीं होगी। और ये जो अब तक सदस्यों का जो चुनाव वाली परिपाटी चली आ रही है ये आपकी 1971 की जनगणना के अनुसार है, और आगे आपका इसमें पुनः जो समायोजन है वो आपका 2026 के बाद में जो पहली जनगणना होगी उसके आंकड़ों के आधार पर है वो प्रकाशित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात भी अनुच्छेद 82 में कही गई है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, ठीक है।
और 83 में कहा गया है, अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की जो अवधि है वो कितनी क्या होगी। तो राज्यसभा का तो आपको पता है कभी विघटन होता नहीं है, ठीक है, और उनके सदस्यों में से यथा संभव निकटतम जो एक के सदस्य है ये संसद विधि द्वारा प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर शीघ्र निवृत्त होते जाएंगे, यानी कि एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त होते जाएंगे। और लोकसभा यदि पहले से ही विघटित नहीं कर दी गई है तो प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद ये इनका जो सदनों की अवधि है इसके बारे में सेम ही प्रावधान है, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। ये मूल संविधान का आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपके समक्ष है वो दिया हुआ है, तो आप चीजों को अच्छे से और समझ पाए, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको एक के साथ में और भी कुछ जानकारी है वो प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है, यानी कि इसमें कहे सवाल पूछे जाने का तात्पर्य ये है कि राजस्थान विधानसभा में अगर कोई अविलंबीय मामला हो जाता है, ठीक है, अर्जेंसी केस होता है और उसमें विधानसभा का जो स्पीकर है वो अब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी अब्सेंसी में अगर कोई अविलंबीय मामले हैं और उसमें विधेयक को प्रमाणित करना हो तो वो ऑथेंटिकेट कौन करेगा। तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधेयक को ऑथेंटिकेट करने की जो शक्ति है वो विधानसभा के सचिव की है, ठीक है। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबीय मामलों में कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है, तो विधानसभा का सचिव कर सकता है, ना कि उपाध्यक्ष। तो इसमें सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा, राजेश बालिया, प्रकाश टाटिया, एन एन माथुर और नगेंद्र जैन। तो इस प्रकार के जो सवालों का आंसर देना है वो काफी थोड़ा सा टेढ़ा प्रतीत होता है, क्योंकि ये चीजें अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे चीजों को इंटरलिंक करते हुए जब पढ़ेंगे तभी याद रह पाएगी। और अधिकतर आप जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं तो उनको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एन एन माथुर, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट के एन एन जो माथुर है ये जो न्यायाधीश है ये किसी अन्य राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति है वो नहीं रहे हैं। तो इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट है, ये जो लिस्ट है 12 न्यायाधीशों की ये राजस्थान हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश हैं जो कि अन्य राजस्थान हाई कोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि अन्य अन्य नहीं सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्याय मूर्ति के रूप में रह चुके हैं राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जिसमें न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू, पी एन सिंगल, जे एस वर्मा, शिवराज वी पाटिल, अरुण कुमार, ए आर लक्ष्मण, जे एम पांचाल, दीपक वर्मा, अरुण मिश्रा, अमिताभ रॉय, नवीन सिन्हा और एस रविंद्र भट्ट, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रह चुके हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कौन राजस्थान लोकसेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं, तो आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं सचिव भी रहे हैं, तो ये कौन है, तो ये हैं आपके एन के बेरवा, एक राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएससी के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य आप ध्यान में रखेंगे कि आयोग के अध्यक्ष जो लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं उनका नाम है सी आर चौधरी, आयोग के सदस्य जो लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं वो है धुलेश्वर मीणा, यानी कि सी आर चौधरी तो आर लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं लेकिन आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन धुलेश्वर मीणा है ये लोकसभा के सदस्य के साथ में आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं, ठीक है। आयोग के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं तो सावलदान उज्जवल है,
ये आरपीएससी के सदस्य हैं और राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। आयोग के सदस्य जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं एनएल जैन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। और कमला भील ये आयोग की ऐसी सदस्य हैं जो कि पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? जस्टिस एन के जैन, प्रकाश टाटिया, जस्टिस जगत सिंह, जस्टिस एस सगीर अहमद। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस जगत सिंह। जगत सिंह राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। देखिए, मानवाधिकार आयोग के अब तक कितने अध्यक्ष हैं? वो 5 अध्यक्ष हैं, वो रह चुके हैं, जिसमें पहले अध्यक्ष थी न्यायमूर्ति सुश्री कांता भटनागर, जो कि 23 मार्च 2000 को इन्होंने पद ग्रहण किया था और 11 अगस्त 2000 को इन्होंने पद त्यागा था। दूसरे जो अध्यक्ष रहे हैं वो न्यायमूर्ति एस सगीर अहमद, इसके बाद में न्यायमूर्ति एन के जैन, न्यायमूर्ति प्रकाश टांटिया और न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास, जो कि वर्तमान में भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो कांता भटनागर हैं वो मद्रास हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी। एस सगीर अहमद है, ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, वो रह चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के वे अध्यक्ष जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तो उनका नाम है एस सगीर अहमद। एन के जैन है, ये राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, वो रह चुके हैं। न्यायमूर्ति प्रकाश टांटिया राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास है, ये राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। इसमें आपके कंफ्यूजन बना रहता है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही रह सकते हैं या फिर पूर्व न्यायाधीश भी रह सकते हैं। तो इसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ में पूर्व न्यायाधीश का भी प्रावधान 2019 से आपका जोड़ दिया गया है, क्योंकि बहुत समय से मानवाधिकार आयोग के जो पद है वो खाली रहते थे, क्योंकि पूर्व मुख्य न्यायाधीश है वो मिलते कम थे, ठीक है। तो इसी वजह से पदों की भरपाई करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ में पूर्व न्यायाधीश को भी यहाँ पर जोड़ दिया है। और यहाँ आप देखेंगे 1 से लगा करके 4 तक, यानी कि 19 तक आपके सारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर एन के जैन की बात करें तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय के तो पूर्व न्यायाधीश हैं, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है। लेकिन गोपाल कृष्ण व्यास हैं, ये राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है, ना कि मुख्य न्यायाधीश। तो 2019 वाला जो संशोधन है इसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ में पूर्व न्यायाधीश का भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इसमें भी इनकी जो समयावधि है, इनकी पदावधि है, वो 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक रहती है। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो ये मार्च 2000 में इसने कार्य है वो शुरू किया था। 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है वो गठित हुआ था, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ था और मार्च 2000 में इन्होंने कार्य शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया? तो देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जो मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं, सर्वाधिक लंबे समय तक, वो है आपके मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने जब 1971 में त्याग पत्र दिया तो उसके बाद में आपके बरकतुल्ला खान है राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। और बरकतुल्ला खान 1971 से लगा करके 11 अक्टूबर 1973 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और पद पर रहते हुए ही इनका निधन हो गया था, ठीक है। और ये जोधपुर के रहने वाले हैं, राजस्थान के प्रथम जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान है, ठीक है। तो ये दो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में बरकतुल्ला खान। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इसी प्रकार से हम आगामी भी जो कल का हमारा सेशन रहेगा उसमें भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का
भारतीय संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन, राजस्थान की पॉलिटी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें और भी अगर कोई आपके सुझाव हो, इम्प्रूवमेंट हो समय के संबंध में, कि ज़्यादा हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, ऐसा भी कुछ हो, या फिर इससे और ज़्यादा आपको विस्तार से बताया जाए, तो जो भी आपकी डिमांड है वो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, और ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करें। वहां पर आपको विभिन्न विषयों की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, एग्जाम, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।